इस डिजाइन को हम बनाने वाले हैं रिबन से, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर का हम इधर से रिबन ले लेंगे, इधर से हम इसका 4.2 सेंटीमीटर रिबन ले लेंगे। ये देखिए इस तरह का ये रिबन है। अब हम इसको यहाँ से कोन पकड़कर ऐसे मोड़ लेंगे, ये हो गया। इधर से भी हम ऐसे मोड़ लेंगे इस तरह से, ऐसे हो गया। अब इसको बीचों बीच ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे हो गया है। इसको अच्छे से बैठा लेंगे। अब हम इसको यहाँ से ऊपर से ऐसे फैला लेंगे इस तरह से। अब इसको हम ऐसे हल्का सा नीचे दबाकर यहाँ पे इस कोन को अच्छे से पकड़ लेंगे। यहाँ पे ऐसे ये कोन पकड़ा जाता है, अच्छे से ये हो गया। अब हम इसको अच्छे से फैलाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे करके इसको इसके बराबर ऐसे मोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसके बराबर इसको मोड़ेंगे, ऐसे हो गया एकदम अच्छे से। फिर हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ के ले जाएंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे मोड़ा गया, ऊपर चला गया। अब इसको हम ऊपर से ऐसे कोन से कोन मिलाकर यहाँ पे इसको अच्छे से ऐसे बैठा लेंगे। यहाँ पे ये हो गया इस तरह से। अब ये कोन पकड़कर यहाँ हम ले जाके इसको भी ऐसे पकड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह का यहाँ पे डिजाइन बन गया ऐसे। ये देखिए इसको अच्छे से यहाँ पकड़ लेंगे हम, इसको फैला लेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे पकड़कर इसको हम थोड़ा सा जलाएंगे, इसको जलाकर यहाँ पे चिपका लेंगे, ऐसे चिपक जाता है। ऐसा हो गया। अब इसके बीचों बीच हम बारीक सा गोंद लगाएंगे, और गोंद लगाकर इसको भी हम ऐसे हाथ से इसको चिपकाएंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ पे इसको हम फिर से नीचे की तरफ गोंद ले जा रहे हैं, यहाँ पे ये चिपक जाता है। इसको अच्छे से थोड़ा सा हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो ये चिपक जाएगा यहाँ पे ऐसे, देखिए हो गया। अब हम इसके पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ऐसे इसको प्रेस करके ऐसे इसको कोन जैसा बना लेंगे, थोड़ा सा इसको हम चिपका लेंगे ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, इस तरह का डिजाइन बन गया है। इसी तरह के हम 6 पीसेस बना लेंगे। अब बारी बारी से इन सब को एक धागे में हम गूंथेंगे ऐसे। ये देखिए 1-2 कर कर के इसको हम हल्का हल्का ले लेकर इसको हम ऐसे ही पूरा सिल लेंगे। ये देखिए अब इन सब को हम एक ही धागे में सिलेंगे बारी बारी से। लगभग यहाँ पे होने वाला है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है। अब इन दोनों छोर को पकड़कर इसको हम ऐसे सरका लेंगे, यहाँ पे इसको हम गांठ लगा लेंगे। एक और गांठ हम यहाँ पे लगा लेंगे इसकी मजबूती के लिए। ये देखिए ऐसे ये हो गया। अब इसको हम धागे को पीछे की तरफ ले जाकर यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे, ये हो गया। अब इसको पलटेंगे इस तरह से, ऐसा हो गया।
अब इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। इसको फैलाने से ऐसा दिखता है, ये देखिए मस्त डिजाइन हो गया। अब इसके ऊपर हम मोती या स्टोन कुछ भी चिपका देंगे। यहाँ पे हम मोती चिपका रहे हैं, इसके बाद हम एक स्टोन चिपकाएंगे। मस्त डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।